हार्दिक पटेल, सवाल सवाल ये है जो पूछा गया वो ये कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो हेट से, एंटी बीजेपीज्म से, एंटी मोदीज्म से ड्रिवन है, कि मतलब बेसिक पॉलिटिक्स का मूल है कि किसी तरीके से बीजेपी की मुखालफत। देखो वो तो खुल के करता हूँ, उसमें जरा सा छुपाता नहीं हूँ, दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम कम से कम 20 मिनट चले गए, पता भी नहीं चला क्या लड़ रहे थे सब कुछ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा था कि जो टॉपिक दिया गया था उस टॉपिक पर बात होनी चाहिए थी। यहाँ पर बात हो गई, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पिछड़ा है, ये पटेल है, सारी बातचीत हो गई। लेकिन क्या हम लोगों ने अपने आप को कभी पूछा है कि क्या कोई हिंदू खतरे में या कोई मुसलमान खतरे में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से जिस तरह से देखता हूँ, जिस तरह से समझता हूँ, लोगों ने बता दिया कि हार्दिक मतलब मोदी का विरोधी, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी। लेकिन क्यों है हम लोग? जिस तरह से गुजरात के अंदर निर्दोष लोगों को मारा गया, गलत सेडिशन के केस लगे गए, आज हर वीक में 2 तारीख लगानी पड़ती है, कोर्ट की तारीखें लगानी पड़ती है। हमें ऐसा था कि हमने भी वोट दिया था नरेंद्र मोदी को जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, और हमने क्यों दिया था कि हमें एक आस थी कि ये जाएंगे सत्ता में और जाकर युवाओं को रोजगार देंगे, किसान नाराज नहीं होगा, और देश के अंदर जो बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की तो बातें होती रहती थी गुजरात में, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपने ये कहा कि हम हिंदू हैं, हमें राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा गुजरात के अंदर जब नरेंद्र भाई पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बड़े बड़े शब्दों में उन्होंने एक ही शब्द, मैं हिंदू हूँ, और मैं जाहिर में नहीं बोलना चाहता लेकिन बोला था मियाँ मुशरफ, ये सारी चीज़ें बोली जाती थी। दूसरी बात, और मेरे माइक में तो बीच में बोलने का ही नहीं, पहले मेरे को संभलने का। दूसरी बात कि जब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर आए तो कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं ओबीसी हूँ, और अब जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर जीत गए और आज पीएम कहलाते, पूरे देश में घूम रहे, तो क्या कहते हैं कि हमें हिंदू और मुसलमान को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बड़ी पॉलिटिकली गेम खेल रहे। कैसे? कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के अंदर बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे तब हिंदुत्व की बात कौन करता था? अडवाणी जी। पूरे देश में रथ यात्रा निकल गए और तब अटल जी सद्भावना की बात करते थे। अटल जी चले गए, अडवाणी उनकी जगह पर आए, अडवाणी ने सद्भावना और समानता की, हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने की बात कही। तब गुजरात के अंदर मोदी जी ने हिंदुत्व का बड़ा झंडा पकड़ा। आज मोदी जी सत्ता पर है, मोदी जी सद्भावना की बात करते हिंदू और मुसलमान को साथ लेने की। तो यूपी के अंदर योगी जी, नहीं नहीं मैं तो हिंदू में ईद भी नहीं मनाता, अच्छी बात है। एक मुसलमान ने कल एक बड़ी अच्छी ट्वीट की थी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं होली मनाता हूँ और मैं बड़े प्यार से उसको सम्मान करता हूँ। आप कहो ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं, मैं ईद मनाते हैं उनको मैं पूरा सहयोग देता हूँ, ये बात होगी तब हमारे देश की अच्छी पॉलिटिक्स होगी।